प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। जनपद मैनपुरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के विरोध में तिकोनिया पार्क कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम सेवक यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र की और प्रदेश की सरकारों की जो तानाशाही और हैकड़ी और गुरूर जो है, किसानों से किए हुए वादों से मुकर गई। कहा हम किसानों का लागत मूल से ज्यादा दुगना करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। दिया बहन भाइयों का नारा दे करके हम 15 लाख हर किसान के, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। मित्रों, 15 लाख की जगह देश का किसान भूखों मरे, आत्महत्याएं करें तो ये शर्म की बात है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश में जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों में ज्यादातर किसानों ने आत्महत्याएं की है। और जिन प्रदेशों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां आत्महत्याओं की संख्या कम है। हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान पर गरीबी है, भुखमरी है, किसान कोई सुनने वाला नहीं। किशन दुबे ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ जीवन के 40-45 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, जो एक कुर्बानी है। शिवपाल जी का जलवा था, है और सदा रहेगा, ये आपकी उपस्थिति ने साफ कर दिया। प्रकृति का नियम है जो दिल से साफ होता है, जो लोगों के दुख दर्द में साथ देता है, जो गरीबों का हमदर्द होता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है। उप जिलाधिकारी महोदय श्री अशोक कुमार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक करहल श्री अनिल यादव, युव यादव, सचिन यादव, हनुमंत कठेरिया आदि शामिल थे।